अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिफरेंट रमज़ान रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन ब्रेड व्हील। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम चिकन। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून क्रीम, 1/2 टेबल स्पून क्रीम चीज़, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टी स्पून वाइट पेपर, 1 टी स्पून क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसे कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। यहाँ पे हमने लिया 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स हम इस चिकन को हम अच्छे से पकाएंगे। तो चलें फिर मिलते हैं। यहाँ पे हम करते हैं असेंबल। यहाँ हमने लिए हैं ब्रेड के पीस। इसे हम कोई भी कटर या किसी भी कैप से राउंड शेप करके कट कर देते हैं। ब्रेड पीस हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे हमने दूसरा पीस हमने इसके रिंग बनाने के लिए हल्का सा सेका है। तो चलें इसे भी राउंड करते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा पीस भी हमने इस तरह कर दिया है। अब हम इसका रिंग बनाने के लिए इसे सेंटर से और थोड़ा छोटा करेंगे। अच्छा जी, इसको हम इस कैप की मदद से सेंटर पे इस तरह कट कर देंगे। अच्छा जी, ये बन गया एक रिंग। अच्छा, अब हम इस रिंग को इस पर रखेंगे। ये एक व्हील सा बन गया। अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस और केचप, जो भी आपकी फैमिली को पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। इस पर ऐड करेंगे चिकन, इस पर ऐड करेंगे हम कैप्सिकम, टोमेटोज, अनियंस, हल्का सा हम करेंगे इसे प्रेस। सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं यहाँ पे सेट। अब हम इस पर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। ओके, इस पे हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो, क्रश रेड चिली, ऑलिव्स, जितने ऑलिव्स आपको अच्छे लगते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लेंगे बटर, जिसे हल्का सा हम स्प्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बटरिंग नहीं करनी है हमने। इस पे हम ऐड कर देंगे अपने व्हील्स। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और विदाउट ओवन हम इसे बना रहे हैं, मगर बिल्कुल परफेक्ट और 100% अच्छी बनेगी। तो चले अब हम इसे ढक देते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे। ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स हम इसे रखेंगे। तो चले फिर मिलते हैं। ज़बरदस्त, हमारे चिकन व्हील्स रेडी हो चुके हैं। ज़रूर हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।